हेलो माइसेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र नाम। मुझे पता चला कि इधर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो मैंने भी अपना नाम दिया था। तो मैं जनरली शायरी लिखता रहता हूँ। तो मतलब जब कोई नया बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, पढ़ाई तो वो करता ही है, साथ में उसकी एक लाइफ और साथ में चलती है। तो उसको मैंने चंद पंक्तियों में पुरोया है, ठीक है। तो जैसे भी कोई नया मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस में एडमिशन लेता है तो उसमें साथ में उसकी एक प्रेम कहानी भी चलती है ना। तो मैंने उसको कुछ लफ्जों में जमाया है, सुनिएगा, ठीक है। तो जैसे मेडिकल कॉलेज में आता है, डीएच में आता है, एलडी में आता है, उसको कोई दिखता है, कोई पसंद आता है तो उसका मन कुछ कुछ गुनगुनाता है, सुनिएगा, ठीक है। किसी ने उसकी अच्छाई बताई तो किसी ने उसकी बुराई बताई है, किसी ने उसकी अच्छाई बताई है तो किसी ने उसको बुराई बताई है। मुझको फर्क नहीं पड़ता मेरे यार, मुझको फर्क नहीं पड़ता मेरे यार, मेरी आंखों में तो केवल उसकी आभा समाई है। स्टार्टिंग में जैसे डीएच हुआ, एलटी में हुआ, उसको केवल वो ही दिखती है। कुछ दिनों में उसको भी पता चलता है कि मुझे कोई ताड़ा है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा इंट्रेक्शन बढ़ता है उन दोनों में। तो फिर प्लानिंग बनती है, मतलब ऐसे ही थोड़ा इंट्रेक्शन होता है तो मिलने का उनका एक टाइमिंग सेट होता है कि कैसे वगैरह में मिलते हैं। तो मैंने उनको पंक्तियों में संभारा है, फरमाइएगा, ठीक है। आज आसमां में घटा छाई है, आज आसमां में घटा छाई है और बगीचे में हरियाली भर आई है, आज आसमां में घटा छाई है और बगीचे में हरियाली भर आई है। पानी की बूंदें खुशियां बरस रही है, पानी की बूंदें बन बनकर, खुशियां बरस रही है पानी की बूंदें बन बनकर, क्योंकि आज मुझसे मिलने मेरी महबूबा आई है। आज मुझसे मिलने महबूबा आई है। इनकी इनिशियल मीटिंग थी, फिर फर्दर इनकी और सब्सिक्वेंट मीटिंग होती है, थोड़ा इंट्रेक्शन बढ़ता है। इनकी सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं, इसके बाद पंक्तियों में कुछ जमाया है, फरमाइएगा। परेशानी में जो खुदा बन के आए वो मित्र है, परेशानी में जो खुदा बन के आए वो मित्र है और हुस्न पे लगकर जो महके वो इत्र है। परेशानी में जो खुदा बन के आए वो मित्र है और हुस्न पे लग के जो महके वो इत्र है। पता नहीं क्यों दिखती है मुझको उसकी ही सूरत, पता नहीं क्यों दिखती है मुझको उसकी ही सूरत, क्योंकि मेरे सामने जो जो बार बार आए वो केवल उसका चित्र है। इसी तरीके से इन लोगों की कहानी चलती रहती है। ये अब लोग फाइनल ईयर में पहुंचते हैं। तो अब ये होता है ना कि किसी की कहानी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है तो कुछ कुछ होने लगता है लोगों को। तो ऐसे ही वो एक बार उससे, मतलब डेली वो तो उसकी फ्रेंड है जो भी बोलो, तो मिलने आती है। तो अब चूंकि वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है लड़का, तो वो उस एक दिन ऐसे ही मिलने आई वो, उसको मैं पंक्तियों में फरमाता हूँ, सुनिएगा। रोज की तरह वो मिलने आई है, रोज की तरह वो मिलने आई है और हंसकर उसने अपनी बात सुनाई है, रोज की तरह वो मिलने आई है और हंसकर उसने अपनी बात सुनाई है। वो बोला ऐसे हंस के मत, ऐसे हंसकर बात मत किया कर पगली,
ऐसे हंसकर बात मत कर किया कर पगली, इस जहान ने तेरी और मेरे ब्रेकअप के लिए पूरी प्लान बनाई है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल राउंड में पहुंचते हैं, वो लोग इंटर्नशिप में पहुंचते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जनरली मेडिकल कॉलेजों में देखा जाता है कि इंटर्नशिप के बाद लड़की घर चली जाती है ना, लेकिन इनका तो सच्चा वाला प्यार था, इनको तो अब याद आएगी तो इनका मन कुछ कुछ गुनगुनाता है कि इनका मन मैं पंक्तियों में फरमाता हूँ, है ना, कि मेरा मन मुझसे कुछ कह रहा है, कि मेरा मन मुझसे कुछ कह रहा है, क्यों मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा है, कि मेरी आंखों में क्यों उसके सामने, क्योंकि क्यों मेरी आंखों में उसका चेहरा है। मिलने का तो मन बहुत करता है मेरे दोस्त, मिलने का तो मन बहुत करता है मेरा दोस्त, क्या करूं, उसके दरवाजे पे उसके बाप का पहरा है।